हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडनेट शेयर के बारे में, जो सोया हुआ शेयर उठ गया। और ट्राइडनेट को आप अच्छे से जानते होंगे, तो इसके बारे में अब भाई हम बात करने वाले हैं कि क्या अभी उठेगा, क्या करेगा, क्या मोमेंटम रहेगा, क्या अभी हमें बाय करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या फ्यूचर में कैसा स्टॉक है हमारे आने वाले फ्यूचर में, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों, आज के दिन देखें तो लगभग 4.5% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला है, जो 4.62% के आसपास, 4.62% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला है। इसकी करंट प्राइस की बात करें तो 39.65 रुपये के अंदर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी आज के दिन की तेज़ी की बात करें तो लगभग 1.75 रुपये के आसपास तेज़ी देखने को मिलती है, जो करीबन 2 रुपये के आसपास है। बात करें स्टॉक की प्रीवियस क्लोज की, तो 37.90 रुपये के आसपास कल के दिन में ट्रेड करके इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है। आज के दिन की चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 3 बजे तक स्टॉक में अपर सर्किल लगना शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को बाय करना चाहिए था। मैंने कल भी बोला था कि जब ग्रीन की ओर मोमेंटम करे तो आप आंख बंद करके ऐसे स्टॉक को बाय कर लीजिए, ताकि आपकी पोर्टफोलियो के साथ रह जाए। ये वो स्टॉक है जो कुछ लोगों को माला माल बनाया था, याद होगा कि ये वो स्टॉक है जो 1-2 रुपए से चल के 70-80 रुपए तक जाने का हैसियत रखता है, ठीक है। जो आपको लोगों को भी पता होना चाहिए कहाँ तक गया था, ठीक है। करीबन 64-65 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता था, और आज आपको पता है कि ये स्टॉक 39.65 रुपए के आस। तो एक चीज़ तो निश्चित है दोस्तों, कि ये ज़्यादा नहीं गिरने वाला, बस थोड़ी बहुत गिरावट थी वो अब ख़त्म हो गई। आप इसको बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। और स्टॉक एक चीज़ है कि अब इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला, बहुत ज़्यादा गिरावट में था वो अभी निकल गया। बात करें 5 दिन की, कितना रिटर्न निकाल के दिया, तो लगभग 2.60% के आसपास इसने 5 दिन के अंदर रिटर्न दिया है। तो 5 दिन के भी अंदर पैसा सेफ है। मंथली की बात करें तो लगभग 2.5% के आसपास स्टॉक ने अभी भी रिटर्न के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो पैसा आपका 1 मंथ के अंदर भी सेफ रहा है। बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ में लगभग 35% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा बस, ठीक है, इतनी गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा गिरावट देखने को नज़र आती है। बात करें 1 साल की, तो लगभग अभी भी 92% रिटर्न इसने कमा के दिया है, ठीक है। 5 वर्ष की बात करें तो लगभग 3.61% के आसपास रिटर्न इसने निकाल के दिया है, 361%। मैक्सिमम ऑल टाइम की बात करें तो आप लोग सोच सकते हो कि लोगों ने 10-15 गुना पैसा इसके अंदर बना के गया, ठीक है। जिसके पास पैसेंस था होल्डिंग करने का था, वो लोग इसके अंदर पैसे बनाए। आप लोगों की तरह नहीं थे वो लोग जो इसके अंदर पैसे बनाए, आज आज बाय किया है और 1 मंथ के बाद में आप सेलिंग करोगे, ऐसा नहीं करने का। होल्ड रखो कम से कम 1 साल के, मान के चलो 6 मंथ, चलो ठीक है, होल्ड करोगे तभी तो कुछ पाओगे ना। तो आप क्या करोगे, एक अभी आज बाय करोगे, 1 मंथ बाद ठीक है यार बेच देते हैं, ठीक है इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल गया अब हम दे देते हैं, या फिर लॉस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉस में भी आ जाता है, कुछ लोग ने हाई प्राइस पे भी इसको बाय किया है, तो वो लोग भी इसके अंदर पैसे बना के चुपचाप बैठे हुए, कि उनको पता है कि स्टॉक आने वाला है, डेफिनेटली ऊपर आएगा, बस उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। वो वेट आप कर सकते हो तो बिल्कुल आप रिटर्न कमाओगे, जाहिर सी बात है रिटर्न देगा स्टॉक, जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वो स्टॉक है जो वैसे देख बोले एक बात बोलूँ क्या, सोया हुआ शेयर अभी मतलब अपर सर्किट के अंदर लग गया, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 987 करोड़ का आसपास मार्केट देखने को मिल जाता है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है, ठीक है। और पीएफ रेटिंग की बात करें तो लगभग 23-24% की मिल जाती है। और बात करें आज के दिन के ओपन हुआ था 39 रुपये पे, और क्लोजिंग टाइम था, लो टाइम था जो 38.35 रुपये, और लगभग 39.75 रुपये के आसपास हाई भी था, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो आज के दिन में स्टॉक अपर सर्किट अभी तक नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है कल के दिन में आपको कुछ क्वांटिटियां मिल रही है, जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बाय कर सकते हो, कल के दिन हो सकता है आपको मिल जाए, और परसों के दिन मुझे लगता नहीं कि आप लोग बाय कर पाओगे। बाकी दोस्तों आपकी मर्ज़ी है। उस पहले स्टॉक का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्राइडनेट लिमिटेड, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।